इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में अब ऐसा लग रहा है कि हमास इजरायली फौज पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आईडीएफ के गाजा में भारी तबाही मचाने के बावजूद हमास कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि वो और दोगुनी ताकत से इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है। और इन हमलों का नतीजा ये निकला है कि गाजा के कई इलाकों में इजरायल ने अपनी कई बटालियंस और ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास इजरायली सेना के ऊपर मानसिक दबाव बनाए हुए है। वो लगातार अपने हमलों का बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके जारी कर रहा है, जिसमें हमास के इन भयानक हमलों को साफ देखा जा सकता है। और अब इसी कड़ी में हमास ने एक और वीडियो जारी किया है, जो उत्तरी गाजा के बैत हन्नून का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का एक लड़ाका बाज की तरह पहले दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर घात लगाता है और फिर उसके बाद स्नाइपर राइफल से उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग देता है। और इस हमले में आईडीएफ का एक जवान नीचे गिर जाता है, जबकि अन्य सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं। उनमें से कुछ सैनिक जमीन पर गिरे हुए जवान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमास का ये लड़ाका उन सैनिकों पर दनादन फायर कर देता है। इस वीडियो के अलावा हमास की सैन्य शाखा अलकुद्स ब्रिगेड ने भी एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो गाजा के जेरोत और निरम इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर अलकुद्स के दो लड़ाके एक पेड़ के पीछे छिपकर एक लॉन्चर में पहले तो कई रॉकेट्स भरते हैं और फिर इन रॉकेट्स को दिन ढलते ही आईडीएफ पर दाग देते हैं। वीडियो में आगे देखने पर यह साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक हमास के लड़ाके इन रॉकेट्स को फायर कर रहे हैं और ये रॉकेट आसमान को चीरते हुए इजरायली सेना की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि अलकुद्स के इन हमलों को लेकर इजरायली सेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही ये साफ हो पाया है कि इन हमलों में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इन वीडियोस से एक बात तो साफ हो जाती है कि गाजा में इजरायली सैनिक जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर उनके पीछे पीछे मंडरा रहे हैं और मौका मिलते ही ये लड़ाके घात लगाकर आईडीएफ पर हमला कर देते हैं।